नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय से रेल कर्मचारियों की लापरवाही की एक बड़ी खबर एक बार फिर से सामने आई है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रेल संपार फाटक का दोनों गेट लगा हुआ है और दोनों फाटक के बीचों बीच एक ऑटो खड़ी है। इतना ही नहीं, ऑटो में तकरीबन 15 लोग सवार हैं और गाड़ियां धड़ल्ले से आ जा रही है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर डाउन लाइन की गाड़ी आती है और ऑटो अगर पटरी के मध्य में रहे तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि नियमानुसार रेलवे फाटक बंद होने के बाद बीच में एक भी गाड़ी या लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर रेल कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी की जा रही है। बूम तोड़ते तोड़ते जब बूम गिरता है ना, तो एक लिमिट में है दिए हुए सिग्नल, वहीं पर रुकना है। जबस्ती जाते हैं, बूम बचाते बचाते मजबूरी में हमें करना पड़ता है। टीम आएगा तो हम रिस्पॉन्सिबल है ना जी, हम लोग क्या है, हम अधिकारी हैं, अधिकारी आएगा तो क्या बोलेंगे हम। बेगूसराय में लगातार रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक महिला को जबरदस्त रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित भावरा पास की है। मृतक महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया हैवतपुर गाँव की रहने वाले मेघू शाह की 60 वर्षीय पत्नी शैला देवी के रूप में की गई है। रोजी काम करे, कौन काम करे रे? मजदूरी करे। अच्छा, हमारा नजदीक में कोई गरीब जरा सवेरे हम लोगों कमे रहे मारने चले गए। अच्छा, तकर बाद यहाँ से जो चंद्रा लीला लैके गए जेते जेते खत्म हो गए। की नाम भले इनका? शैला देवी। अच्छा, घर कहाँ ले इनका? कोरिया हवा। अपने कारनामों के लिए चर्चित बेगूसराय की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल इस बार पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लग रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि तकरीबन 8 घंटे से रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ रहा, लेकिन थाना क्षेत्र के विवाद में पुलिस इसे उठाना मुनासिब नहीं समझी। मामला बरौनी रेल थाना क्षेत्र के तेघड़ा एवं बछवाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच त्याए गुमती के नजदीक की है। मामला ये रेलवे ट्रैक के पास जो पड़ा हुआ है, इसमें लग रहा है कि ये लोकल थाना के जुडिशियन में है। हम लोगों का होम सिग्नल के अंदर रहता तो फिर हम लोग कार्रवाई करते सर। कब से पड़ा हुआ है ये? तो हम लोगों को सूचना मिली है 2 घंटा पहले। हम लोग सीमा विवाद के चलते पड़ा हुआ है जी। अच्छा सर, किस विवाद में सब पड़ा हुआ है? 5-6 घंटे से सब पड़ा हुआ है रेलवे ट्रैक पे। रनिंग ट्रेन से हुआ है, गिर गया है ट्रेन से जी। तो अभी तक सब नहीं उठा है, क्या कारण है? नहीं है, रेलवे का मामला बनता है जी, रेलवे का मामला है। तो सीमा विवाद को लेकर अभी तक सब रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ है 5-6 घंटा से। बेगूसराय जिले के रानी 3 निवासी आर्मी जवान सरोज राय की आकस्मिक निधन से पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले का माहौल गमगीन हो गया। दरअसल बछवाड़ा प्रखंड के रानी 3 निवासी श्यामदेव राय के पुत्र सरोज राय उर्फ गोरेलाल राय आर्मी में पोस्टेड थे और वर्तमान में वो मथुरा में कार्यरत थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और उन्हें किडनी की भी शिकायत थी। शनिवार को उनकी हालत एकाएक बिगड़ने लगी, तब उन्हें आर्मी के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार की रात्रि उनका निधन हो गया। बाद में सेना के जवानों ने उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके पैतृक गांव पहुंचाया, जहां उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जिले के लोग मौजूद रहे। बाद में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई एवं उनका अंतिम संस्कार किया गया। लड़का सरोज कुमार राय, पिता स्वर्गीय श्री श्यामदेव राय, जो आर्मी में नौकरी करता था और वर्तमान में वह मथुरा में पदस्थापित, वहीं उसकी तबीयत खराब हुई और वहां से पर उनके विभाग के लोग लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए भर्ती कराया। उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज अनवरत चलता था। कल सुबह 8 बजे उसकी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में मृत्यु हो गई, जिसका पार्थिव शरीर हम लोगों के बीच उसके विभाग के द्वारा लाया गया है। 5001 एसी बटालियन मथुरा में पोस्टेड थे, वहाँ से ये कमांड हॉस्पिटल में जब बीमार हुए तो भर्ती हुए, वहाँ इनका देहांत हुआ। उसके बाद वहाँ से
एम्बुलेंस से इनका पार्थिव शरीर लाया गया। साथ ही इनके गार्ड ऑफ ऑनर और इनके सम्मान के लिए बिहार रेजिमेंट सेंटर से एक टीम, एक जेसीओ 7 वर्ष की एक टीम आई है, जो कि इनको सम्मान सहित इनका दाह संस्कार करेगी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया। इस मौके पर पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए द ग्रेट भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार पासवान ने कहा कि द ग्रेट भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक सह जनतांत्रिक विकास पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव छात्र नेता अमर आजाद पासवान को महागठबंधन के कार्यकर्ता से उलझना महंगा पड़ा और निर्दोष दलित छात्र नेता को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। नेता के साथ बकचक होता है और बकचक होने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ता रात में 12 बजे महेंद्रू हॉस्टल में चहर के 12 राउंड गोली चलाते हैं और जब उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है कोतवाली थाना में तो उल्टे जो है अमर आजाद पर छेड़खानी का मामला लगा कर और उनको जो है जेल के सलाखों के पीछे धकेला जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का पुतला दहन कर रहे हैं हम लोग, जो कि पूर्व में अम्बेडकर छात्रावास में जो गोली कांड हुआ है उसमें जो अभियुक्त है उस पर कार्रवाई ना करके हमारे अमर आजाद जी को उल्टा झूठे मुकदमा पासपोर्ट में फंसाया गया है। बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों में मौजूद गैर निबंधित मठ मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित कराया जाएगा ताकि सरकारी रुपए से उसका विकास किया जा सके। मंत्री के दिए गए इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक पंडित इस बयान के तरह तरह के मायने लगा रहे हैं, जिसके बाद मोतिहारी पहुंचे विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि उनके बयान का एक मकसद है कि अगर गैर निबंधित मठ मंदिरों को अगर निबंधित कर दिया जाएगा तो उसका विकास विधायक MLC फंड से भी किया जा सकता है। मंदिर का बयान में रह गए हैं, ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सरकार के पास आंकड़ा हो जाएगा। मठ मंदिर पे तरह तरह का विवाद जो हो रहा है, ये विवाद को हम लोग खत्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें है कि मंदिर में खास करके हमारे माननीय सदस्य, माननीय विधायक लोग, माननीय विधान पार्षद लोग इस सूची में तय किया गया है कि जो मंदिर चयनित है न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड है उसमें आप सौंदर्यकरण का काम करा सकते हैं, बाउंड्री का काम करा सकते हैं। ये लोग हम लोग कराने के लिए, इसको अच्छी करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के बैनर तले गया शहर के गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप में संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन पर विस्तार रूप से बैठक कर अहम निर्णय लिया गया। इस संबंध में राजेंद्र दुबे ने बताया कि बिहार सरकार स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी को स्वतंत्रता सेनानी की मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ दे, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी में अहम योगदान दिए हैं। कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी का एक सदस्य बाल मुकुंद प्रसाद सिन्हा का असामयिक निधन हो गया है, उसके लिए हम लोगों ने शोक सभा का आयोजन भी किया है। 2 मिनट पर मौन भी रख के उनकी श्रद्धांजलि दी गई। और दूसरा सब समस्या यह है कि सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी का सदस्यता अभियान चल रहा है, जो 120 रुपये का रसीद कटने का प्रावधान है, लेकिन हम लोग उसे बढ़ा करके इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ संगठन में ब्याज जिला का संगठन लोग को उसमें खर्चा बर्चा जो होगा उस समय व्यय किया जाएगा। और सत्यानंद जी से और मुख्यमंत्री नीतीश जी से दुर्गा पूजा के समय बातचीत हुआ था कि आप लोग का जो हमने वादा किया है भुलाए नहीं हैं, इसलिए अब आप लोग किन्हीं की चाहे आपके पिताजी का पुण्यतिथि हो, जन्म जयंती हो, उस दिन आप हम लोग आप का प्रोग्राम रखिए। मैं व्यक्तारपुर में आ करके जो आप लोग का मांग है, हमने जो रखा था आप लोग का मांग है, उसमें से कुछ न कुछ हम आप लोग को देंगे।
सहरसा पुलिस ने लक्ष्मी यादव हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल बीते 20 अक्टूबर की रात्रि में लक्ष्मी यादव बुजुर्ग की हत्या उनके ही पंचर बनाने वाले दुकान मीर टोला में गला रेत कर बेरहमी से कर दी थी। यह हत्या सहरसा पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था, जिसको लेकर एक स्पेशल टीम गठित किया गया। गठित टीम ने मीर टोला के रहने वाले मोहम्मद शाहरुख को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वर्षीय वृद्ध लक्ष्मी प्रसाद यादव की 20 अक्टूबर को गला रेत करके काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग केस बना हुआ था कि कारण किस कारण से स्पष्ट कि ऐसा इतने वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा निर्मम काम क्यों किया गया। सीसीटीवी फुटेज उसको निकाला गया, टेक्निकल अनुसंधान हुआ और इसकी पूरी जो है SDPO सदर के नेतृत्व में ये टीम इस पर काम कर रही थी। अंतोगत्वा फाइनली मीर टोला के ही तीन लोग जो चोरी का काम करने के उद्देश्य से घूम रहे थे, लक्ष्मी प्रसाद यादव के द्वारा उसको देख लिया गया। उन तीनों के द्वारा तो मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद जावेद और एवं मोहम्मद इमरान हैं, तीनों ही मीर टोला के रहने वाले हैं। तो ये कि अगर वो शायद वृद्ध कुछ हल्ला करे और इस चक्कर में उन्होंने जो दो चाकू आपके समक्ष है इसी से गला रेत करके बड़ी निर्मम तरीके से हत्या करके उसके शव को रखे लोग भाग गए। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर तारिगना GRP पुलिस काफी मुस्तैद है। गंगा स्नान को लेकर तारिगना स्टेशन पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे। इसके साथ ही तारिगना रेल पुलिस चैन स्नैचर और पॉकेटमारों पर भी विशेष नजर बनाए हुए है। इतना ही नहीं, तारिगना रेल मानवीय संवेदना दिखाते हुए ट्रेन से उतरने वाले और ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों की मदद कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गंगा जी क्यों? पूजा करने जा रहे हैं। पूजा करने जा रहे हैं? बहुत भीड़ है, बहुत देख रहे हैं भीड़। अब गंगा मैया पार लगा देते चल जब उनका देवा होते बोलाथिन तो बहुत भीड़ है ट्रेन में। भीड़ तो है, 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 है। प्लेटफॉर्म पर कितनी भीड़ है, चल पाइएगा? अब चल पाएंगे, गंगा मैया के इकबाल होते तो बुला लेते तो चल जबे तो पहुँच जब वहाँ। कितने पहुँचेगा? गाड़ी से जाएंगे। ट्रेन में कितनी भीड़ है, चढ़ पाइएगा? जाएंगे, हाँ चढ़ जाएंगे। चढ़ जाइएगा? हाँ चढ़ जाएंगे। कहाँ जा रहे पूजा करने के लिए? हाँ कहाँ? गंगा जी जाएंगे, पटना। कहाँ घर हुआ? घर यहाँ है मसौ। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।